ये तस्वीरें हैं गोवर्धन थाना इलाके के गांव पीतमपुरा की, जहां अज्ञात कारणों के चलते किराना स्टोर के खोखे में अचानक लग गई आग। अचानक लगी आग से खोखे में रखी लगभग 8000 रुपए की नकदी समेत हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। सुबह घटना की जानकारी किराना खोखा मालिक को हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताते चलें कि खोखा मालिक प्रमोद दिव्यांग है, जो अपने परिवार का भरण पोषण इसी खोखे में किराने का सामान बेचकर करता है। बीती रात जब खोखा स्वामी प्रमोद खोखे को बंद करके घर गया था, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह आकर देखा तो उसमें आग लग चुकी थी और सामान जलकर खाक हो गया था। इस घटना के संदर्भ में खोखा स्वामी प्रमोद ने जानकारी दी। क्या नाम आपका? क्या नाम है? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ये खोखा किस जगह पे है? यहीं पे है, पीतमगढ़ पे। क्या हो गया इसमें? आग लगी 2:30 बजे। 2:30 बजे आग थी? हाँ, मेरी आग खुली है जब तक, मतलब आग लगी ढाई बजे मालूम पड़ी है जी। ये बुझाया होगा? हाँ बुझाया। कितना नुकसान हो गया इसमें? 50,000 से ऊपर का है। क्या चीज बेचते थे इसमें? परचूने का सामान था। अच्छा अच्छा, परचूने का सामान था। और उसमें कैश वगैरह भी था? हाँ, 8,500 रुपये। 8,500 रुपये थे, सारे जल गए। पैसा को इसी में छोड़ जाते थे? हाँ, यही सोता था मैं। यही सोते थे? खोखा से कितनी दूर सोते थे? अच्छा, तो 50,000 का नुकसान हो गया इसमें, खोखा भी जल गया है। अच्छा, आप क्या नाम है? ओम सिंह है। तो आपको यहाँ पर कितना कब पता पड़ी इसमें खोखा मैच लगी है? यहाँ के रहने वाले। ठीक। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं।